अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की तलाक की अफवाह को लेकर खबरें खूब चल रही हैं। ये सब तब शुरू हुआ जब ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या बच्चन अंबानी की शादी में अलग अलग पहुंचे। हालांकि अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों ने इस पर चुप्पी बनाए रखी है। हाल ही में जब ऐश्वर्या पैरिस में थी तो उन्होंने अपनी शादी की अंगूठी दिखाकर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया। इन सब के बीच कॉफी विद करण से जब जया और श्वेता बच्चन का एक वीडियो वायरल हुआ, जया बच्चन करण जौहर के चैट शो में हेमा मालिनी के साथ शामिल हुई। इस दौरान दोनों अभिनेत्रियाँ बिन्नी बेटियाँ और श्वेता बच्चन ईशा देओल के साथ मौजूद थी। रैपिड फायर के सेगमेंट का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें करण ने जय और श्वेता से अभिषेक और ऐश्वर्या के लिए शादी से जुड़ी कोई सलाह मांगी थी। करण ने पूछा, क्या आपके पास अभिषेक को शादी के बारे में देने के लिए कोई सलाह है? तो जय बच्चन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर वो गलत व्यवहार करने की कोशिश करेंगे तो स्थिति बदल जाएगी। ऐश्वर्या की शादी को लिए क्या सलाह देनी चाहिए, तो इसके बारे में जब पूछे जाने पर जय बच्चन ने कहा कि उसे ऐश्वर्या के प्रति वैसे ही प्यार और सम्मान दिखाना चाहिए जैसा कि वो करती है। श्वेता ने भी मुझसे काफ़ी कुछ कहा, इसमें कुछ जोड़ते हुए कहा कि वो परफेक्ट है, मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें कोई सलाह देने की ज़रूरत है। श्वेता ने आगे कहा कि उनमें अपार धैर्य है जो कि उन्हें बहुत ही आगे लेके जाएगा। जया बच्चन ने मुस्कुराते हुए कहा कि खासकर अभिषेक के साथ। जैसा ही वीडियो वायरल हुआ, नेटिजन ने श्वेता को बहुत सराहा और इसी तथ्य की सराहना की कि वह ऐश्वर्या से बहुत प्यार करती हैं। ऐश्वर्या और अभिषेक ने साल 2007 में शादी की और 2011 में एक बेटी राधा बच्चन के माता पिता बने। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय हमें कॉमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सनलाइन।